इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड मुगेली। इन दोनों प्रदेश भर में शासकीय व संविदा कर्मी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया है व प्रशासनिक विभाग के अधिकतर कर्मचारियों को आंदोलन करते देखा जा सकता है। आंदोलन की इसी कड़ी में गुरुवार को एक बार फिर कलेक्टर परिसर में आंदोलन का दिन रहा। अन्य संगठनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के बाद लिपिक संघ भी अब बीजेपी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में मैदान पर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में समस्त विभागों के लिपिक कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो घोषणा पत्र में भी जो वादे किए गए थे कि 40 तारीख वेतनमान को पूर्ण किया जाएगा, परंतु आज उनके पूरा शासनकाल समाप्त होने की ओर पे है, चुनाव प्रक्रिया फिर से है, तो हमारी मांग है कि पुनः उस पर जल्द से जल्द ध्यान देते हुए इसको पूर्ण करें। और ये प्रदेश लिपिक संघ की ओर से 2 दिन का हड़ताल है, जिसमें आज हम यहाँ पे बैठे हैं और कल रैली के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव और कलेक्टर महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें मुंगेली जिला के अलावा प्रदेश भर के लिपिक हर जिले में इस आंदोलन में अपनी सहभागिता पूरे रूप से निभा रहे हैं।